पपट शमिता शेट्टी को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कबूल नहीं करते हैं। जी हाँ, अब इन दोनों का जो कनेक्शन है वो घर में सबसे ज्यादा टॉक्सिक पॉइंट हो चला है, जहाँ पर नेहा और प्रतीक उन दोनों को लेकर बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर नेहा बताती है कि शमिता से उनकी बातें हुई थी, जिसमें वो बताती नजर आती हैं कि राकेश बड़ा ही कंफ्यूज है। नेहा प्रतीक को बताती है कि यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन कैसा है। राकेश इसको पसंद करता है, शमिता राकेश को पसंद करती है। यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। इनका ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इनको एक दूसरे से बातें नहीं करनी होती, बातें करेंगे तो दूसरों से करेंगे, फिर ये हो जाएगा अब बॉस लेडी है, कुछ भी बॉसी करती रहती है, तो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। शमिता उसे पसंद करती है, राकेश उसे पसंद करता है, उसकी केयर करना चाहता है लेकिन शो नहीं करना चाहता है, उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है लेकिन शो नहीं करना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, उससे कंट्रोल होना चाहता है। इस तरीके का कनेक्शन है उनमें, लेकिन जिस तरीके से वो अलग अलग बातें करते हैं और इन दोनों की बनती नहीं है, वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। राकेश खुद कंफ्यूज है, शमिता को कंफ्यूज करता है कि फिलहाल प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। इस वजह से इन दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन ठीक तरीके से एडमिट नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन भरपूर है। तो इस तरीके से फाइनली राकेश बापट की भी फीलिंग्स का पता लग गया है कि वो भी शमिता को पसंद करते हैं और उनके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा भविष्य में इन दोनों के इस कनेक्शन का? अपने विचार हमसे साझा कीजिए कमेंट सेशन के थ्रू। और इसी तरीके से बिग बॉस OTT से जुड़ी हर एक खबर जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।